अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अदर वीडियो ऑन दिस चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट मैन मी इत शाम। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। कि वीडियो एडिट करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अच्छा, बेटर और बिल्कुल फ्री, बगैर किसी वाटरमार्क के मिल जाएगा, क्या इस तरह का सॉफ्टवेयर मार्केट में है काइंड मास्टर के अलावा। काइंड मास्टर तो एक प्रो लेवल का बोल सकते हैं, लेकिन जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में, शायद वो काइंड मास्टर का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन काइंड मास्टर के आसपास तो आपको वो तमाम वो सहूलियात वो फ्राहम कर देगा जिस चीज़ की आपको नीड होगी। मतलब नीड बंदे को किस किस की होती है कि एक वीडियो एडिटिंग करने के बारे में, कलर ग्रेडिंग के बारे में, उसके बाद होती है कि यार फ़िल्टर हो। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। फ्री का मतलब कि ऑफलाइन है। जब आप इस वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वो तमाम के तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्री साथ में मिलेंगे। आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आपको वो क्या क्या देते हैं, आपको वो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन तो हर एक में होता है। उसके बाद बगैर वाटरमार्क, नो वाटरमार्क के साथ आपको ये जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ये मिलता है, मिलेगा कहाँ से, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखें जो मैंने इसी सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट किया, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार इंटरेस्टिंग ज़रूर लगेगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि इस वीडियो एडिटर को हमने किस तरह सीखना है, चलाना है और कैसे ये काम करेगा। तो बस वीडियो एडिटर आपके सामने आ गया, इसका नेम है वीडियो मेकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा, जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया वो प्रोजेक्ट नीचे और इसके अलावा जो है वो ऊपर। अब जिसको आपने एडिट करना है, जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, उसको आपने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इतना हिस्सा हमने कर देना है ट्रिम। ट्रिम का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे हमने कर दिया सिलेक्ट। अब जो मेन काम है वो आप देख लें। सबसे पहले तो ट्रिम आ जाता है, जितने हिस्सा आपने वीडियो का डालना है वो भी, और जितने को कट करना है उसको हमने ट्रिम कर देना है, मतलब उसको कट कर देना है। अब आप चाह रहे हैं कि आपने इसकी जो ऑडियो है वो म्यूट करनी है, ये आपको ऑप्शन मिल रहा होगा स्पीकर का, यहाँ पर आपने टैप करना है तो आपकी जो म्यूट क्लिप ऑडियो, आपकी ऑडियो की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर तो आप इसमें कोई और ऑडियो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो नीचे आपको ऑप्शन मिला है ऐड ऑडियो, यहाँ पे आप टैप करें तो आपके सामने कुछ ये फ्रिस्ट आ जाएगी। सॉन्ग्स आपने डाल करने, अपना इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं, या आपने कोई रिकॉर्डिंग कर रही है उसकी आपने जो रिकॉर्डिंग वो इसमें ऐड करनी है तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आगे आ जाता है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने यहाँ पर ऐड करना है उस टेक्स्ट को आपने ऐड करने के बाद उस टेक्स्ट को ऐड करने के बाद ये आपके सामने कुछ आ जाता है जो इसके फॉन्ट है, उसके बाद कलर आ जाता है, उसके बाद आप इसका जो साइज़ वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। देन इससे आगे आपको मिल जाते हैं इसके फिल्टर्स और इफ़ेक्ट्स। पहले तो हम इसके फ़िल्टर के बारे में बात कर लें। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो फ़िल्टर ये प्रो लेवल के हैं, मतलब अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो फिर ये आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेंगे। फर्ज करेंगे मैंने नेचुरल पर क्लिक किया, अब मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, एडजस्ट के ऑप्शन पर आ जाना है आपने। इसकी जो है वो सेटिंग्स अपने हिसाब से करनी है, जिस तरह की सेटिंग्स आपको अच्छी लगी हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी या बहुत ही अच्छी लगी वो आप यहां से इसकी तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। तो अपने हिसाब से आपने इसको कर लेना है सेट। तो कलर्स आप रहने भी दें तो ठीक है, अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। ह्यूज इसकी जो है वो ठीक है, तो यहां से कर लिए इसको ओके। अब ये जो हमारे पास क्लिप जो तैयार हो चुका है तकरीबन, अब हम चाह रहे हैं कि हमने इसकी जो स्पीड है वो कम करनी है, स्पीड भी आ जाए, तो इसकी स्पीड हमने कर ली 0.7x, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम भी हमने म्यूट शूट कर लिया। इसको अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको इंस्टाग्राम की स्टोरी, यूट्यूब की स्टोरी या फेसबुक पर डालना चाह रहे हैं, ट्विटर पर डालना चाह रहे हैं, टिकटॉक पर डालना चाह रहे हैं, तो वो भी आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं।
जो YouTube की है वो 16.9 इसकी जो है वो रेशो है। उसके बाद अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। देन इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स। इफेक्ट्स आप कौन कौन सा लगाना चाह रहे हैं, इफेक्ट्स आपके सामने या जो भी आप अच्छा लगे या आपको ज़्यादा अच्छा लगे या उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पेशे नज़र पेशे खिदमत से। तो इसके अलावा इसमें और क्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम, रोटेट एंड और कुछ नहीं है इसमें। मतलब एक वीडियो एडिट करने में इतने जो हैं वो आपके आलात काफ़ी होते हैं। उसके बाद मेन काम आता है एक्सपोर्ट का। जैसे आप इस पर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं बेसिकली रेजोल्यूशन के बारे में कि आप कितनी रेजोल्यूशन यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। 1080p से ऊपर भी आपको रेजोल्यूशन जो है वो मिल जाती है इसकी, बिल्कुल जी हाँ, वो आपको मिलती है 2160p की। तो ये काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। और नीचे आपको ये भी बता रहा है कि आपने क्वालिटी कितनी करनी है, लो करनी है, मीडियम करनी है, हाई करनी है। वो आप अपने हिसाब से इसकी मीडियम या हाई करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर दें और ये जो आपका वीडियो एडिट आपने किए ये यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगी ऐड देखने के बाद। इसमें ऐड चलते हैं, वाटरमार्क नहीं आता। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो आपके सामने पेश की है और उम्मीद है कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो अपना नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में कौन कौन सी ऐसी खामियां लगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगी। चलते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ, नए कंटेंट को तलाश करने की तरफ। आप रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।